दोस्तों पाकिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं है। गांड अपने झंडे से साफ करें, कितनी बड़ी इंसल्ट करें हमें झंडे की। और दूसरी सबसे बड़ी वहाँ पे कुत्ते और गधे का बिजनेस बहुत ज़्यादा चला है। और कुत्ते की जैसे का आप सर्च करेंगे तो मैप भी पाकिस्तान का कुत्ते की जैसा है, और गधे और कुत्ते का बिजनेस बहुत ज़्यादा चला है। क्योंकि तेल महंगा हो गया बहुत कुछ वहाँ पे, दिन को गधे से सवारी कर लेते हैं, रात को मन लगा तो काट के खा भी लेते हैं, और डॉक्टर तुर्की चूची खान जैसे वो ठोक भी देते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, एक बात आप सर्च करना नेट पर जाके, अभी WHO काऊ के यूरिन के बारे में क्या कहता है, कितने बेनिफिट्स हैं उसके बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया है, और कोई भी उसका ऐसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, इस रंडी को मैं बताना चाहूँगा, इसने बोला है काऊ का मूत पीने वाले, तो जरा ये सर्च करना कि ऊंट का यूरिन कहाँ पे पिया जाता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए ऊंट का मूत्र, जो उसके बारे में पढ़ना जरूर। और इस रंडी की तो आज मैं ठोकने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी हीरा मंडी की, महंगी कोठे की सस्ती तवाइफ, जो चूदी हुई चूद प्यासी चूद के ऊपर की, तोबा 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 तोबा, मोदी ने पूरे पाकिस्तान को छोड़ा, पर मुझे क्यों नहीं छोड़ा। तो आज हम उसको चौदने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, जब हमारे देश या हमारे मस्जिद को कोई बोलता था भी हम वीडियो बनाते हैं, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जब ये पाकिस्तानी भड़वे सुअर खंजीर जब इंडिया पे भूंकते तब हम उनको बोलते हैं, नहीं तो हमारे क्या लेना, वो बहन जो गू में मुंह दे अपना देते रहे हमें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर इस ये रंडी देखो दोस्तों, पहले मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो, जब ये इंडिया के ऊपर भोंकी थी तब हमने इसको ठोकी थी, तो अब दोबारा फिर नाम लेके मेंशन कर रही है कि बहन चुत ये ऐसे वैसे। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा इस महंगे कोठे की सस्ती तवाइफ को, जो चुदी हुई चूत है, इसकी मैं एक क्लिप देखी आप। इग्नोर किया, इग्नोर करने के बाद एक दिन मैंने जो है लिंक ओपन किया तो गाड़ी में खुसरा बैठा हुआ था, खुसरा बैठा दिखाई दिया। मैंने वीडियो वापस ऑफ कर दी कि शायद किसी ने मेरे से जो है मजाक किया है। एक मिल गया जो गालियों से कमाई कर रहा था। ये दुनिया की मैंने जो है संजय दत्त की फिल्में देखी हुई है और वो मेरा फेवरेट एक्टर है, लेकिन जब इसको देखा तो ये लंडे का संजय दत्त जो है मुझे देखने को मिल गया और सीखने को मिल गया, जो गालियों से कमाई कर रहा था। ये दुनिया की वाहिद लंडे की सुपर पावर है जिसको जो है जिसको कमाई जिसकी कमाई जो है सिर्फ और सिर्फ गालियों से। तो दोस्तों देख लिया क्या बोल रही है, मैंने जैसे गाड़ी खोली वहां पे निकला खुसरा, खुसरा निकला, मतलब ये इस तरह से प्यासी है लोड़े की, इस तरह से प्यासी है कि इसको खुसरा दिखा, वो निराश हो गई। और लास्ट क्या बोल रही है, सुपर पावर ऑफ लैंड, लैंड सुपर पावर ये चाहिए इसको, खुसरा किसको बोल रही है, हिंदुस्तानी भाव को। और स्टार्टिंग में ये बोल रही है कि झाड़ी चला रहा है, मेरे को मेंशन कर रही है लवड़ी, अपनी हालात देख वहां पे किस तरह हवस दिमाग के अंदर भरी हुई है, तू जिसको बहन चोद भाई बोलती है उसके साथ ही लगी होती है, चुपो चुप टपा टप टपा सफा सा फस, क्या लगा होता है वो बता जरा मेरे को लवड़ी है। अभी एक सिनेमा हॉल में क्या प्रैक्टिस हो रही थी ब्रेजर जाने की, वो लगता है बुरके वाली लंड तो ही है और तेरी बच्ची है वो, उसको कैसे तो प्रैक्टिस करने भेज रही है लवड़ी। अभिनंदन ने तो तुम लोगों को ऐसा ठोका कि अब बहन जो मोदी से ठुकवाना चाहती है, फिर हमने ठुकवाएंगे, मोदी जी हमारे सन्यासी हैं हम ठोकेंगे, फिर जैसे वीडियो वायरल होती है तुम्हारी अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी, फिर वो दूसरी कौन सी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, ले, ले, ले मत बस बस आराम से चुप पे कैसे लगाते हैं, फिर वो हम ठोलेंगे बुरके भाई रन को ऐसा चौदा, और हम तेरे को तू बोलती है भीख मांगते हैं। तू लौड़ी एक बार अपने चैनल पे जरा नजर डाल, जो तूने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई उस पर लौड़ा लौड़े की बाल मेरे कोई व्यू नहीं आया, जब जब तू इंडिया के ऊपर भोंकी तुझे भीख मिली, और हमें बोल रही है कि दिहाड़ी हमारी बहन चौध, हम पैसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आया लौड़ी, प्यासी चूत तेरी चूत में मक्खन हम नहीं छोड़ेंगे, तेरे मुंह में छोड़ेंगे, हम स्क्रब करेंगे फेशियल करेंगे फवारे चलाएंगे ऐसे ना, और बैंक वो करेंगे तेरे चूत में मक्खन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू तो चुदी हुई है हीरा मंडी से निकली हुई, अब अपनी माँ बहनों को बहनों बच्चों को अब लगा रही है तू, ठीक है तो हम तेरे को चोदेंगे नहीं, तू चेक कर, और हम तेरे को तू बोल रही है ना खुश रहे वो हम बताएंगे, और हम तेरे को तब तक चोदेंगे जब तक नहीं बोलेगी तू हिंदुस्तानी भाव का लोड़ा जिंदाबाद, बीस का लोड़ा जिंदाबाद, तब तक तू हम तेरे को चोदेंगे और तब छोड़ेंगे जब तू बोलेगी
मंसूर बलोच का लोड़ा मुर्दाबाद, तब तक हम चोते रहेंगे। तू बहन चोद हमें बोल रही है कि भीख मांग रहे हैं, तो अपनी हालात देख किस कगार में पहुंच चुके हैं। बहन चोद तुम लोगों की दिमाग में क्या डाला गया है, हवस। और तुम लोग, मैंने बोला था कि हमारे, हमने तुम लोगों को पाला हुआ है और तुम लोग वो सुअर हो जो हमेशा गू में जाते हैं। पैदाइश तुम मुगलों की हो, मुगलों की पैदाइश हो तुम लोग, जो अपनी माँ बहनों के साथ, तू बहन चुद एक बात सोच, जिसको तू भाई बोलती है रात को उसके साथ साई करती है, हाय रब्बा, अब बेटा जी बेटा जी, वो जो तुम्हारी वीडियो वायरल होती है वो कैसे होती है, भाई बोलती है उसके साथ, क्योंकि बाप तुम्हारे वो थे, पाला हमने है, सीनियर बाप हम हैं, और दूसरे जो है वो मुगल थे जिन्होंने अपनी माँ बहनों को ऐसा पेला, ऐसा चोदा कि बहन चो वो तुम लोग कर रहे हो वहाँ पे। फिर बोलती है पाक फौज फरीदाबाद, लौड़ा मेरा कुछ भी नहीं है, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, है क्या अचीवमेंट्स क्या तुम्हारी, ये बताओ। और तू बोल रही खुश रहा, तू मिल तो सही एक बार, कॉन्टैक्ट तो कर, कैसे बेंच फवारे छोड़ते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक फवारे छोड़ेंगे ऐसे कि तरसेगी। फिर बोलेगी सुपर पावर ऑफ लंड हिंदुस्तान, वो बोल रही है ना कि लंड सुपर पावर ऑफ लंड, वो हम बताएंगे तेरे को। इस रंडी को जब खाना पाना नहीं चल रहा है, खाना पीना नहीं चल रहा, तो फिर भौंकने लग पड़ी हिंदुस्तानियों पे, मोदी ने ये किया, मोदी ने तो उस टाइम नहीं चोदा था, पर अब चोद रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जिनेवा में जो अभी FATF की मीटिंग चली हुई, जैसे एशियाई FATF मीटिंग चली थी, उसमें तो ब्लैक लिस्ट डाल दिया गया। जिनेवा में जो अभी स्विट्जरलैंड जो मीटिंग चली, वहाँ पर क्या हो रहा है, धरने दे रहे हैं बलोचिस्तान के लोग कि हमें मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान POK में क्या हो रहा है, माँ की लवड़ी जरा तली हुई चूत, ये देख प्यासी चूत बुझी हुई हब्स की पुजारन, ये देख जरा POK में क्या हो रहा है, तुम्हारे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से लोग भड़क गए इमरान के खिलाफ हो गए हैं, सिंध में क्या हो रहा है, तुम लोग बहन चूत हमारी लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना चाहते हो, हिंदू लड़की को, सिख लड़की को बहन जबरन का धर्म उनको भेजना चाहते हैं रंडी कोठे खोने, तो आज हम तेरे को चोतते हैं ऐसा। सिंध कराची में क्या हो रहा है, मांग उठ रही है इमरान खान दल्ला भड़वा चूतिया, अब कुछ नहीं रहा है, कठपुतली बन चुका है, और तू हमें बोल रही है, तेरे को क्या बोला, हम तेरे को तब तक चोदेंगे जब तक नहीं तू बोलेगी बीस का लोड़ा जिंदाबाद, भाव का लोड़ा जिंदाबाद, और तब छोड़ेंगे जब तू बोलेगी मंसूर का लोड़ा मुर्दाबाद। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो सरंडी तक, वो हवस इसके दिमाग में भरी हुई अपनी बेटियों को जो जैसे सिनेमा हॉल में पकड़ी गई, ठीक है, और पहले भी जैसे वो इसी की पैदाइश है, अम्मी जी वो वीडियो वायरल हुआ आपने देखा था, बेटा जी इसमें 47 साल की एक और 17 साल के साथ चुप पे लगाई, चुप ठसा ठस खसा खस फसा फस जो कर रहे थे, तो वो इनकी वो पैदाइशें हैं। तो इस वीडियो को इस तक शेयर करें, और खुश रहा कौन है, और सुपर पावर ऑफ लंड हम बताएंगे कैसे फवारे छोड़ेंगे, और फवारे में इसको नहला देंगे, फिर देखना कैसे खूबसूरती निखरती है इसकी, तो फैला दे इसको।